ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी, वी आर गोइंग टू डिवाइड। हमें डिवीजन प्रोसेस सीखना है, वो भी किसके लिए? रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। तो डिवीजन प्रोसेस से रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं वो देखना है। अब देखो, हमें पता है क्या कि जब हम डिवीजन कर रहे हैं तो डिवीजन का एक प्रोसेस होता है। जैसे 7 है, 7 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो 1 टाइम, और यहाँ पर ये क्या आएगा 4, और इसे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर क्या हो गया 3। तो ये रिमाइंडर क्या है? जब ये इस डिविजन से स्मॉलर है, ठीक है, स्मॉलर है। अगर ये इसके ग्रेटर होता, अगर ये रिटर्न ग्रेटर होता तो हम फर्दर इसे डिवाइड करते, ठीक है। तो ऑलवेज मतलब ये कैसे डिफाइन होगा रिमाइंडर, कि रिमाइंडर ऑलवेज शुड बी लेस देन होना चाहिए किससे? डिविजन से। इससे डिविजन से यही है कि रिमाइंडर ऑलवेज शुड बी किससे होगा? डिविजन से लेस देन होगा, और ये रिमाइंडर तब आता है, ठीक है। अब देखो, जब हम किसी में टर्म में डिवाइड कर रहे होते हैं और कोई इक्वेशन रैंडमली लिखी हुई है, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल है, मान लो ये पी एक्स है, ठीक है। तो इस पी एक्स को अगर मुझे किसी से डिवाइड करना है किसी टर्म से, तो ये पहले किसमें अरेंज होना चाहिए? प्रॉपर वे में। तो ये प्रॉपर वे में किस तरह से अरेंज होते हैं कि इनके हाईएस्ट पावर फिर स्मॉलेस्ट फिर स्मॉल फिर स्मॉल फिर स्मॉल, इस तरह से इन्हें अरेंज करना होगा। तो हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स स्क्वायर, फिर एक्स और फिर 2। इसी तरह से मान लो एक इसका फैक्टर है जी एक्स, और ये दिया हुआ है 1 प्लस एक्स दिया हुआ है। अगर ये हमें दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1। इसे भी हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो हम ऑलवेज वेरिएबल से कॉन्स्टेंट की तरफ हाईएस्ट से लोएस्ट टर्म में क्या करते हैं? इन्हें अरेंज करते हैं। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर दो। इसे कैसे डिवाइड कर दोगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और यहाँ पर क्या है? एक्स प्लस 1 डिवाइड इसी तरह से करते हैं। तो यहाँ पर जो ये हाईएस्ट पावर लिखी हुई है, हाईएस्ट पावर में लिखा हुआ है, हाईएस्ट टर्म जो लिखा हुआ है, उस टर्म को डिवाइड करते हो आप इससे, इसके हाईएस्ट टर्म से, और ये क्या है? एक्स। तो यहाँ इसे जब आप डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? एक्स टाइम, बिकॉज एक्स स्क्वायर है क्या एक्चुअल में? एक्स इंटू में एक्स है। एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स इंटू में एक्स, और इसे एक्स से डिवाइड करोगे तो एक्स से एक्स डिवाइड होके क्या आ जाएगा? एक्स। इस तरह से आता है, ठीक है। अब देखो ये कितने टाइम डिवाइड हुआ? एक्स टाइम। तो एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 से मल्टीप्लाई एक्स। अब ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये दोनों क्या हुए? डिवाइड हो गए। यहाँ कुछ बचा? 0। यहाँ से इस नेक्स्ट टर्म को नोट करोगे 2। अब एक बात बताओ, ये 2 है और ये x है, तो ये तो x वाला एक्सपोनेंट है, तो x वाली पावर है, वेरिएबल है, और ये विदाउट वेरिएबल के, तो क्या इसका इसमें डिवाइड होगा? नहीं होगा, इसमें इसका डिवाइड नहीं होगा। तो r इक्वल टू क्या आ गया? 2। रिमाइंडर इक्वल टू क्या आ गया? 2। तो इसका आंसर क्योर टाइम डिस्कस क्या हो गया? एक्स, और r इक्वल टू क्या हो गया यहां से? 2। ओके, सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन वी आर गोइंग टू सॉल्व। अब यहाँ पे हम इस तरह की सॉल्यूशन करें। अब देखो इसी तरह का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आपको दिया हुआ है एफ एक्स, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, एफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 जी एक्स, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो हमें अरेंज करना पड़ेगा इसे ऑन रीअरेंजिंग। अगर हम इन्हें अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स इक्वल टू, अब हाइएस्ट पावर क्या है? माइनस 3x, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5 जी एक्स की वैल्यू क्या हो गई यहां से? जी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1, ये हो गए। अब इन्हें डिवाइड करेंगे तो डिवीजन क्या हो जाएगा इनका? डिवीजन हुआ एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस एक्स क्यू माइनस प्लस प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और ये फाइव। अब डिवाइड करें, हाईएस्ट टर्म को हाईएस्ट टर्म से डिवाइड करना है तो माइनस एक्स क्यूब को डिवाइड करोगे किससे, एक्स स्क्वायर से। माइनस माइनस टर्म है तो प्लस में आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब में डिवाइड होगा तो क्या आएगा एक्स। ठीक है, फैक्टर करके कर सकते हो। तो यहां पर एक्स एक्स क्यूब, देखो इस एक्स का इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के एक्स क्यूब, इस एक्स का इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर और ये प्लस, ओके प्लस वाली टर्म थी तो प्लस, और ये इस एक्स का वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स। अब यहां पर ये साइन चेंज करते माइनस आता है तो माइनस वाली टर्म प्लस, प्लस वाली माइनस हो जाएगी और माइनस वाली प्लस, ये दोनों टर्म्स कट हो जाएंगी, ये हो गया फोर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये क्या आ गया माइनस टू एक्स, बिकॉज माइनस का थ्री एक्स है ये प्लस का एक्स है तो ये सॉल्व होगा माइनस का क्या आएगा टू एक्स। ओके लेट्स सी, अब हमें क्या डिवाइड करना है फोर एक्स स्क्वायर, सॉरी यहां पर ये टू एक्स है, ठीक है माइनस का ना प्लस में माइनस, तो यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर को आप डिवाइड करोगे किससे एक्स स्क्वायर से और होगी किसके माइनस के। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो डिवाइड हो गया वन टाइम और ये टू, तो ये टू टाइम और ये माइनस का है इसलिए माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस टू। ठीक है, अब इस माइनस से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, बिकॉज टू का एक्स स्क्वायर से टू एक्स स्क्वायर और माइनस का माइनस से प्लस। अब उसके बाद देखो यहां पर ये क्या है माइनस माइनस टू, तो माइनस टू का इससे मल्टीप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा माइनस का टू एक्स, माइनस का टू एक्स और इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे यहां पर क्या आएगा प्लस का टू। तो मुझे ये वाले टर्म भी क्या करनी पड़ेगी नोट करनी पड़ेगी, यहां पर इस टर्म को भी हम क्या करेंगे नोट, ओके थर्ड टर्म भी नोट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे साइन चेंज करोगे ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, साइन चेंज करके सॉल्व करो, ये टू एक्स ये टू एक्स कट हो गया और यहां से ये क्या आ गया थ्री, तो यहां से ये क्या आ गया थ्री आ गया। अब देखो ये इसका क्या हो गया रिमाइंडर, क्यों हो गया रिमाइंडर क्योंकि यहां पर तो ये वेरिएबल वाली टर्म है और ये नॉन वेरिएबल टर्म है तो ये इससे डिवाइड नहीं होगी। तो क्यों टाइम इज प्लस टू क्या हो गया क्यू इज प्लस टू एक्स माइनस टू और आर इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर थ्री। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो ये इसका क्या था सॉल्यूशन था कि इन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाता है कैसे करना है। अब एक्सरसाइज में देखो इसी तरह के आपको और क्वेश्चंस दिए हुए उन्हें सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 3.2 का फर्स्ट, यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम डिवाइड द पॉलिनोमियल एफ एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स फाइंड द क्वोटेंट एंड रिमाइंडर। सो क्वेश्चन नंबर वन वन का फर्स्ट, एफ एक्स गिवन है आपको थ्री एक्स टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव एंड जी एक्स आपको गिवन है वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सो रीअरेंज करना पड़ेगा बिकॉज ये तो अरेंज है ऑलरेडी लेकिन ये नहीं है ना, तो इसे अरेंज करना पड़ेगा ऑन रीअरेंजिंग। एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, ओके थ्री एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव और जी एक्स आपको गिवन है क्या एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स
प्लस वन। ओके लेट्स सी, अब हमें क्या करना है, डिवीजन करना है, तो बाय डिवीजन प्रोसेस। ओके यहां से डिवाइड करते हैं हम, हमें क्या मिलता था, 3x³ + x² + 2x + 5, और किससे डिवाइड करना है, x² + 2x + 1 से। इसे इसे डिवाइड करेंगे हम, हमें पता है पहले हम हाईएस्ट टर्म को डिवाइड करते हैं 3x³, x² से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम, 3x टाइम, क्या आएगा 3x, तो ये 3x का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्यूब हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6x² हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x हो जाएगा। यहां माइनस माइनस और माइनस, अब यहां पर माइनस देख, ये माइनस है, माइनस का 6x² और ये प्लस का x², तो माइनस के 6 में प्लस का 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 5, तो ये माइनस 5x². ओके अब यहां पर देखो ये क्या है, माइनस का 3x और ये माइनस प्लस का 2x, तो माइनस के 3 में प्लस का 2 ऐड करोगे ये क्या आएगा, माइनस का x। अब यहां से ये क्या बचा, 5, नोट कर लिया। अब इस माइनस के 5x² में आप डिवाइड करोगे x² से, माइनस के 5 में आप डिवाइड करोगे x² से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 5 टाइम, सो यहां पर क्या आएगा, माइनस 5। अब यहां से मल्टीप्लाई करो माइनस 5 का इससे, तो माइनस 5x², इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 10x, और इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 5, साइन चेंज कर दे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस और ये माइनस से प्लस, बिकॉज ऑल साइन यहाँ पे प्लस थे तो ये माइनस हो गए, माइनस से वापस प्लस हो गए। अब देखो इसे सॉल्व किया तो हमने क्या बनाए, 0। अब यहां से इसमें इसे ऐड करोगे तो ये आएगा 9x, क्या आएगा 9x, बिकॉज प्लस का 10 है माइनस का 1 है तो 9। ओके ये प्लस का 5, ये प्लस का 5, 5 और 5 क्या हो गए 10। अब एक बात बताओ यहाँ पे हाईएस्ट टर्म क्या है, x² यहाँ पर हाईएस्ट टर्म क्या है, x, तो क्या ये इससे डिविजिबल होगा, नॉट, तो यहाँ पर ये इसका क्या हो गया रिमाइंडर, तो आपका क्वोटेंट क्या हो गया, q = 3x - 5 और r = 9x + 10। ओके सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके नाउ अब देखो इसका मैं आपको बताता हूं फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला देखो, f(x)² - 9x⁴ - 4x² + 4 एंड gx इज गिवन टू यू 3x² + x - 1। तो यहां पर ये सभी जितनी भी टर्म दे रखी हैं, वो किसमें है, अरेंज है ऑलरेडी, तो क्या इन्हें अरेंज करना पड़ेगा, हमें नहीं करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर दे बाय डिवीजन प्रोसेस, बाय डिवीजन प्रोसेस। डिवीजन करोगे आप इसे तो यहां पर ये क्या हो गया 9x⁴ - अब एक बात समझो, यहाँ पर डायरेक्ट x² है ना, तो x³ वाली टर्म नहीं है, x³ वाली टर्म तो क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया है 0, तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ, नहीं आप लिख लोगे तो इजी रहेगा, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 0x³ - 4x² + 4, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज यहाँ पर ये 0 है, ठीक है, 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है ना, इसलिए 0। अब यहाँ पर देखो 3
स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। अब यहां पर हम डिवाइड करेंगे 9x^4 डिवाइड बाय 3x^2। देखो 3 से 9 को डिवाइड करोगे 3 टाइम, एक्स स्क्वायर से एक्स को डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर, यहां पर आया 3x^2। ओके, तो इसका मल्टीप्लाई से करोगे 9x^4, इसका मल्टीप्लाई से करोगे तो x³ और कितने 3x³। अब ये प्लस और यहां पर क्या है माइनस का 3x², ठीक है। तो यहां से ये माइनस और ये प्लस, ये सॉल्व होने पर कट जाएगा, ये आएगा माइनस का 3x³ और ये हो जाएगा क्या माइनस का x² और ये प्लस का 4, ये क्या आएगा प्लस का 4। ओके, उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो ये माइनस का 3x³ था, अब यहाँ 3x³ में हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 3x² का, तो कितने टाइम डिवाइड होगा 3 से 3 वन टाइम, माइनस का साइन है इसलिए माइनस, और ये वन टाइम है तो वन लिखो या मत लिखो, x³ से x² x। ओके, तो यहाँ पर ये माइनस x, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई, माइनस एक्स का इसके मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3x³, ये माइनस से इसको माइनस का x² और इसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा x। अच्छा यहाँ पे x वाली वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 0x भी है, यहाँ पर 0x, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया माइनस का माइनस माइनस प्लस तो प्लस का x, और यहाँ पर सॉल्व करो इसे माइनस से प्लस, माइनस से प्लस और प्लस से ये माइनस, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये टर्म क्या बनी माइनस x और ऊपर से क्या आएगा 4, क्या आएगा 4, तो माइनस x प्लस 4। अब क्या ये इससे डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो क्या ये इससे डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आ गया माइनस एक्स प्लस 4 आपका रिमाइंडर है और डिवाइड जो क्वोटेंट है वो क्या है आपका माइनस 3x² माइनस एक्स आपका क्वोटेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वोटेंट क्या हो गया 3x² माइनस एक्स और रिमाइंडर क्या हो गया माइनस एक्स प्लस 4। दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड और थर्ड को आप करना इसी तरह से, हमें डिवाइड करना है हाईएस्ट टर्म में डिवाइड करना है, उसका इस वाले पार्ट को लिखना जरूर है, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना, साइड में थोड़ा डिस्टेंस पे लिख सकते हैं, इस वाले को लिखते हैं, ठीक है। ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 इज यही प्रोसेस यूज करना है, डिवाइड द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट, तो हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है gx दिया हुआ है, gx क्या है x² प्लस 3x प्लस 1 और हमें fx दिया हुआ है x^4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 ये दिया हुआ। ओके, तो क्या इसे रीअरेंज करने की नीड है, नहीं, तो हम यूज करेंगे डिवीजन बाय डिवीजन प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर आप डिवाइड कर दो इसे 3x4 प्लस 5x³
माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। ठीक है, अब हम इस हाईएस्ट टर्म का इस हाईएस्ट टर्म में क्या करेंगे डिवाइड। तो यहां पर थ्री एक्स फोर में आप डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर का, तो ये कितने का हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर टाइम। तो यहां पर क्या आएगा थ्री एक्स स्क्वायर, तो यहां से थ्री एक्स फोर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिक्स एक्स क्यूब, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर ये क्या आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। साइन चेंज कर दो, ये माइनस और ये माइनस, ये तो कट जाएंगे सिंगल वैल्यूज है। यहां पर ये क्या बनेगा माइनस एक्स क्यूब, ये क्या बनेगा माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे टेन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या है टू एक्स, अब देखो यहां से माइनस एक्स क्यूब में डिवाइड करोगे इसका एक्स स्क्वायर का, तो कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा ये एक्स टाइम वो माइनस के, तो यहां पर क्या आएगा माइनस का एक्स, माइनस एक्स आ गया तो इस माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा क्या एक्स। सभी के साइन चेंज कर दो, माइनस से ये प्लस और ये प्लस, तो ये तो कट हो जाएंगे प्लस माइनस सेम वैल्यूज है। अब यहां पर ये कितना बन जाएगा माइनस का सेवन एक्स स्क्वायर, माइनस का सेवन एक्स स्क्वायर और ये क्या हो गया प्लस का थ्री एक्स और यहां पर ये क्या बना टू, यहां पर क्या बना टू। ओके, अब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, माइनस सेवन एक्स स्क्वायर को फर्दर डिवाइड कर दो आप एक्स स्क्वायर से। अगर हमने इसे डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा कट हो जाएगा और माइनस सेवन टाइम, कितने टाइम माइनस सेवन टाइम, तो यहां से ये क्या आएगा माइनस का सेवन। तो अब इसका मल्टीप्लाई करोगे माइनस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वन एक्स माइनस सेवन, और यहां से साइन चेंज करो माइनस से प्लस और माइनस से प्लस, तो ये वैल्यूज कट हो गई, ये हो गया ट्वेंटी फोर एक्स, ये क्या हो गया ट्वेंटी फोर एक्स और यहां पर ये आ गया नाइन प्लस। ठीक है, अब देखो यहां से तो आपका रिमाइंडर क्या हो गया क्वोटेंट क्या हो गया, क्वोटेंट इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सेवन और रिमाइंडर इज ट्वेंटी फोर एक्स प्लस नाइन प्लस नाइन। क्वेश्चन में क्या था आपको डिवाइड द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, हमें फर्स्ट को डिवाइड करना है सेकेंड से, फर्स्ट को डिवाइड करना है सेकेंड से एंड वेरीफाई द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर, कि ये इसका क्या है फैक्टर है। ठीक है, अगर ये फैक्टर है तो ये तो डिवाइड हो जाना चाहिए था, क्या हो जाना चाहिए था डिवाइड हो जाना चाहिए था, तो ये फैक्टर है क्या लेट मी सी, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन और ये क्या है थ्री एक्स टू प्लस फाइव एक्स क्यू माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, तो पहले हमने इसे किया थ्री एक्स स्क्वायर टाइम, तो ये थ्री से हो गया थ्री एक्स फोर, ये हो गया कितना थ्री थ्री नाइन, सॉरी ये मिस्टेक हुई, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर नाइन, नाइन से ये हो जाएगा फोर, फोर एक्स क्यूब माइनस का। ठीक है, यस यस इसे करेक्ट कर लो, तो ये माइनस का फोर एक्स क्यूब, तो ये माइनस का क्या आएगा फोर एक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस फोर एक्स। ठीक है, ये मिस्टेक हुई, तो यहाँ पर ये माइनस का फोर एक्स क्यूब, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा फोर माइनस का, अब यहाँ पर इसका माइनस का फोर एक्स माइनस का थ्री से, तो माइनस का ट्वेल्व माइनस का ट्वेल्व और माइनस का फोर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया प्लस ट्वेल्व और माइनस का टेन, प्लस ट्वेल्व माइनस का टेन, तो ये हो गया टू एक्स स्क्वायर वो भी प्लस का, टू एक्स स्क्वायर वो भी प्लस का। देखो
अब यहाँ पर ये क्या बना, प्लस का 2x स्क्वायर, ये क्या है यहाँ पर 4x, इसका मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4x 2x, ये हो गया 6x, ठीक है। अब आप 2x स्क्वायर में डिवाइड करोगे, इसमें डिवाइड करोगे 2x स्क्वायर में, तो 2x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, 2, क्या आएगा 2, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 2, तो ये 2x स्क्वायर प्लस का 3x 6x और प्लस का आ जाएगा 2, तो ये इसका फैक्टर है, माइनस 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 तो ये आ गया 0, तो ये चेंज हो गया, क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2 और दिस इज रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो होता क्या है एक्चुअल में, जब हम इसे वेरीफाई कर रहे होते हैं तो जो एफ एक्स है और जी एक्स है इनके मल्टीप्लाई इक्वल आने चाहिए, तो देखो क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू, वेरीफाई कर रहे हैं आप यहां से ध्यान रखना, वेरीफाई, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखो मेरे पास में डिवीजर है और क्वोटेंट है, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, डिविडेंड। अब यहां डिविडेंड क्या है, एफ एक्स, ये क्या है जी एक्स, क्वोटेंट को अगर मैं क्यू लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम, क्यू, और ये क्या है रिमाइंडर, इसका में तो यहाँ जी एक्स क्या हो गया, जी एक्स हमें क्या लिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये क्या है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 और रिमाइंडर तो 0 है, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे देखो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई सिस्टम से, थ्री एक्स का मल्टीप्लाई सिस्टम से, और प्लस वन का मल्टीप्लाई ठीक है। तो यहां पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से 3x टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर से माइनस 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर, 3x से करोगे 3x क्यूब, माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस तो 12x स्क्वायर, और ये इससे होगा तो क्या हो जाएगा 6x, फिर 3x स्क्वायर आएगा, उसके बाद माइनस का 4x, इसके बाद प्लस का 2। अब देखो आप इसे सॉल्व करोगे, मैं इसे राइट हैंड साइड में सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, इधर नीचे दिखेगा नहीं आपको, ये देखो 3x4 क्या होना 3x4 ये टर्म, उसके बाद देखो माइनस का 4x क्यूब प्लस का 3x क्यूब, ठीक है, नाइन एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा क्या 5x क्यूब, ठीक है। उसके बाद 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर और ये 12 में सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 7x स्क्वायर बन रहा है, और क्या बचा यहां पर 6x और ये 4x तो प्लस का 2x, अब यहां पर देखो प्लस का 2, तो देखो ये है या नहीं इसका सॉल्यूशन करने पर, है ना ये, तो यही इसका सॉल्यूशन करने पर आ रहा है, दैट मीन्स सो लास्ट में नीचे लिख देंगे सो जी एक्स
इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू जो भी है, क्या है हमारे पास 3x4 प्लस का 5x3 माइनस 7x2 प्लस 2x प्लस 2। तो समझ में आया, इसी तरह से हमें अदर क्वेश्चन को करना है। पहले हम डिवीजन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे वेरीफाई के लिए इस प्रोसेस को यूज करेंगे। ओके, थैंक यू।